कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो गया है। आप तैयार हैं, लेकिन किन लोगों के पास सुरक्षा आती है? कह रहा जो प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है। जब राजू श्रीवास्तव बीमार थे मालूम है, कॉमेडियन तो सबको जय मसीह की। कैसे आप सब? आशा करता हूँ सुरक्षित होंगे, पर कुछ लोग हैं जो सुरक्षित नहीं हैं। मेरे भाई बहनों, आज ऐसे विषय के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जहाँ पर हमें बहुत ध्यान देने का है। तो इस वीडियो को देखें और अपनी राय और अपना दुख हमें व्यक्त करें और प्रभु की महिमा के लिए इनके लिए प्रार्थना करें कि ऐसा किसी के साथ ना हो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना वीडियो को। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं है, उनका निधन हो गया है। ये बड़ी जानकारी, दुखद खबर उनके चाहने वालों के लिए इस वक्त आपको बता रहे हैं हम। और क्योंकि वो लंबे समय से बीमार थे, वो वेंटिलेटर पर थे, आपको बता दें कि वो ट्रेडमिल पर वॉक कर रहे थे जिस दौरान उन्हें अटैक आया था, उसी के बाद से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। और ये कहा जा रहा था कि उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। बीच में उन्हें होश भी आया था, लेकिन उसके बाद भी उस तरह का रिस्पॉन्स उनकी तरफ से, उनकी जो बॉडी है वो नहीं दे रही थी। जो डॉक्टर की टीम उनकी निगरानी कर रही थी, उनकी तरफ से ही बुलेटिन में, मेडिकल बुलेटिन में कहा गया था। लेकिन ये एक बहुत दुखद खबर, इसलिए कॉमेडियन जगत के बादशाह कहा जाता है राजू श्रीवास्तव को। और एम्स में वो भर्ती थे, लंबे समय से उनका इलाज चला। बीच में खबर ये भी आई कि 80% उनके माइंड ने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन उसके बाद जब उन्हें होश आया तो थोड़ी सी उम्मीद जागी थी। उनके फैंस ने भी ये खुशी जाहिर की थी कि प्रार्थना रंग ला रही है, लेकिन उनका जो ब्रेन है। जब राजू श्रीवास्तव बीमार थे मालूम है, कॉमेडियन, तो जॉनी लीवर से मेरी बात होती थी। और परसों जब हम फोन पे थे तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा चलो हम आज मिलके उन पे प्रेयर करते हैं हम। तो उन्होंने उसके राजू के कान पे फोन लगाया, उनकी वाइफ को फोन दिया, तो मैं और जॉनी लीवर प्रेयर कर रहे थे उस पे लगातार। और मैंने अपने बंदे को भेजा, मैंने कहा जाओ ऑयल और रुमाल दे के आओ। और दो दिन, एक दिन अगले दिन होश आ गया। तो हालेलुया, सबको जय मसीह की। कैसे आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। एक विषय है मेरे भाई बहनों जो हमें बहुत सताता है और प्रतिदिन हमारे लिए वह एक दुख का विषय है। जब कोई हमारे बीच में कोई गंभीरता से पड़ा होता है, कोई बीमारी में, कोई लाचारी में पड़ा होता है। परंतु मैं एक स्टोरी के द्वारा आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ जो कि मुझे बहुत दुख हो रहा है। हमें हमारे परमेश्वर के वचन के अनुसार हर एक भाई बहनों के लिए हमें मदद करनी है। तो मेरे भाई बहनों, एक भिखारी था और एक भूख से ग्रस्त था। परंतु जब वो भूख से ग्रस्त था या भिखारी था या जिस भी हालात में था, वो एक सर्कस में चला जाता है। और सर्कस में जाता है, जब वो एक जोकर को देखता है तो वो अपनी उसकी हरकतों को देखकर अपने गम को भूल जाता है, अपने दुखों को भूल जाता है और वो हंसने लगता है खिलखिला के। मेरे भाई बहनों, उस जोकर के ऊपर क्या बीतती है कभी हमने जाना नहीं है। ऐसे एक जोकर थे जो दुनिया को हंसाते थे और दुनिया को हंसाते हुए अपना जीवन जीते थे, परंतु परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे। ऐसे ही एक दिन हंसाते हंसाते वो एक स्टंट करते हुए अपनी मृत्यु को देख लेते हैं और वो बहुत घबराते हुए परमेश्वर के करीब जाते हैं और परमेश्वर का राज उनको दिखता है और प्रभु उनके सामने खड़े रहते हैं। तब वो शर्म से लज्जा होकर अफसोस में कहते हुए कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैंने तेरे जीवन में आकर ना किसी की मदद की, ना मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर पाया और ना ही मैं अच्छा जीवन जी पाया। मेरे भाई बहनों, उसने ये सब कहा और परमेश्वर के सामने अपने आप को रखा। परमेश्वर ने उसे देखा और परमेश्वर ने कहा कि तुझ में कोई पाप नहीं है, तूने जीवन भर चाहे परमेश्वर की महिमा नहीं की, चाहे तूने परमेश्वर का नाम नहीं लिया, परमेश्वर को नहीं जाना, परंतु तूने मेरे बनाए हुए और इस दुनिया में हर एक दुखी इंसान को हंसाया है, हर एक दुखी इंसान को तूने खुशी दी है, तूने परमेश्वर का काम किया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग अपनी एक स्माइल भी अगर किसी और को देते हैं
तो उनके ऊपर एक पॉजिटिविटी, एक आशीष आती है। मेरे भाई बहनों, आज ये बात बताने का मतलब मेरा ये है कि हमारे देश में एक बहुत बड़े कॉमेडियन जो कि राजू श्रीवास्तव, 3 दिन से बहुत दयनीय हालत में है। मेरे भाई बहनों, बहुत दुख हो रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत हंसाया हमें, उन्होंने अपना जीवन हमें हंसाने में व्यर्थ करा। वो बहुत गरीब थे परंतु आज वो मौत और जंग से लड़ रहे हैं। मेरे भाई बहन, उनके लिए दुआ करें क्योंकि हमारा जीवन दुआ के लिए है। आप सोच सकते हो, प्रतिदिन हमारे लिए हंसाने के लिए अपना जीवन बिताते रहे और एक छोटी सी जगह से उन्होंने शुरुआत की और आज वो इस हालात में है। जिम में वर्कआउट करते हुए उनको दिल का दौरा पड़ा और आज उनके दिमाग में ऑक्सीजन नहीं जा रहे मेरे भाई बहनों। और हम इस विषय में आए मिलकर दुआएं करें, प्रार्थना करें और मैं जानता हूं कि वो प्रार्थना के द्वारा ठीक हो सकते हैं। हमें प्रभु के सामने उन्हें सौंपना है। आप जिस भी कोने में हैं, जहां भी है मेरे भाई बहनों, हर एक उस भाई के लिए प्रार्थना करें जो आज बिस्तर पर पड़ा है और जो डॉक्टर की टीम लगी हुई है, परंतु हम जानते हैं कि परमेश्वर से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो लोग अपना दुख छुपाकर हमें हंसाते हैं, जो अपनी तकलीफों को छोटा करकर हमारे लिए आनंद का विषय बनते हैं। हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए जो इस सृष्टि में सच में लायक है। वो वैसे फल हैं जो हम खा भी लें और अगर हम उनके उस फल के साथ अपने परिवार को भी बांटें तो वो जीवन भर आनंद से भरा रहेगा। हम जब सुबह उठते हैं तो हम हास उल्लास से उठते हैं, उसी प्रकार वो हमारे लिए खास उल्लास है। वो सूरजमुखी के फूल की तरह है जो हर बगीचे में सुंदरता फैलाता है। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने उन्हें इस तरह से नियुक्त किया है। सबको जय मसीह की। एक बार जरूर प्रार्थना करना यीशु के नाम में, आमीन।